VIP, VIP. चैनल शो फॉर एक्सपर्ट जी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज आप देख रहे होंगे कि यार ये आज मिठू भाई किस जगह पे पहुँच गए हैं, तो आप देखें यार आज ये बिल्कुल एक वीरान सी जगह है, आप खुद अंदाजा लगाएं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कोई चीज़ नहीं है पीछे भाई, ये आज जंगल में मंगल वाली बात है। आप दोस्तों के लिए एक ऐसा एडवेंचर इवेंट लेके आए हैं जो हमारे ज़िला बहावलपुर की ना एक तहसील यजमान है उससे थोड़ा सा आगे ये इवेंट लगता है। तो आज हम इवेंट है जो उसे कैप्चर करने के लिए एक एडवेंचर वीडियो बनाने के लिए दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कि हम किस जगह पे आए हैं, क्योंकि काफ़ी दोस्त दूर दराज से और आउट ऑफ कंट्री से भी लोग इस इवेंट पे आते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा ये देखें, ये जी हमारे जो चंदन की दरबार है वहाँ, ये दरबार वाला एरिया है, यहाँ दरबार पे मेले लगते हैं, ठीक है। इस मेले पे लोग बड़े दूर दराज से मेले आए हैं, मन्नतें वगैरह मांगने के लिए बड़े दूर दराज से आते हैं। तो भाई आप देख लें, मुझे लगता है आपको नज़र आ रहा होगा, मज़ीद मैं करीब जाके आपको दिखाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो भाई ये जो इस पे रश है ना भाई, आपकी सोच है कितना रश है, बहुत ज़्यादा रश है। तो जी फ्रेंड, यहाँ जो झूले वगैरह लगे हुए हैं वो आपको दिखाते हैं, मेले के ऊपर बड़ा फुल माहौल बना हुआ है, आपको वो दिखाते हैं। ये देखें ये सारे झूले लगे हुए हैं, वो भी झूले हैं भाई, वो जो कश्ती चलती है मेलों पे हर जगह वो है। उसके अलावा ये जी इसके अंदर वो गाड़ियाँ भगाते हैं यार, जिसे मौत का कुआं कहते हैं, ये वो वाला सीन है, यहाँ वो मौत का कुआं है यार। चोलीस्तान में ये जो दरबार है यहाँ ही लोगों ने डेरे बना लिए हैं, रहने का जो सिस्टम है यहाँ ही किया हुआ है। और दूर दराज से जो बाइकर हैं वो भी आते हैं, फैमिलीज आती हैं, आपको दिखाते हैं जी। ये देख ले जी फैमिलीज, इन्होंने वो घर जैसे टेंट लगाए हुए हैं, टेंट वगैरह लगाए हुए हैं, यहाँ ये रहते हैं। तो भाई अगर आपने यहाँ रश देखना है, आपको रश दिखाते हैं कितना रश है भाई, ये देख लें जी, ये पार्किंग चेक करें भाई। जंगल में मंगल तो यही है ना सिस्टम भाई। बहुत ज़्यादा है भाई, कमाल रश है। मैं सोच मेरी इतनी नहीं थी कि जितना होगा, क्योंकि हम इतने इस तकरीबन 30 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो बड़ी दूर दूर से लोग अपने यकीन लेके आते हैं। तो भी आपको दिखाते हैं जो मेन पॉइंट दरबार का है, वहाँ लेके चलते हैं आपको। पॉइंट है, वहाँ आ गए हैं जहाँ दरबार है, जहाँ जो बुजुर्ग हैं वो मदफन है। तो अभी वो वाला एरिया आपको दिखाते हैं जी, इतनी जो रश है, रश क्रॉस करने के बाद जो हम यहाँ पहुँचे हैं वो आपको चेक करवाते हैं जी। ये देखें जी, ये है वो दरबार। ज़्यादा रश है आपको, मैं माइक भी नहीं लेके आया, मुझे लगता माइक की वजह से आपको आवाज़ ठीक नहीं आएगी। तो ये है जी दरबार, आप देख लें भाई, ये दरबार है, यहाँ लोग मनते हैं अपने दिल की ख्वाहिशें, अपने अकीदे लेके आते हैं, यहाँ जो उनका यकीन बना हुआ है भाई, बड़ी दूर दूर से लोग। दरबार बाबा चंदन पीर दरबार, ये उनकी दरबार है, बड़े दूर दराज से लोग आते हैं। तो यहाँ है ना, ये एक बहुत बड़ा एडवेंचर बनता है, दूर दराज से लोग आते हैं, नए लोग होते हैं, नई चीज़ें होती हैं, तो मिलते हैं उनसे, एक बंदे का माइंड चेंज होता है। तो हम तो आए थे इसलिए, लेकिन यार मुझे इतना इलम नहीं था कि रश है, तो हम आए भी बाइक पे हैं, बड़ा मसला है, अभी वापस जाएंगे क्या बनेगा, क्योंकि रात की वजह से ना रोशनी नहीं होती, उस वजह से रश बहुत ज़्यादा होता है। बाइक तो सिंगल रोड है, वन वे रोड भी नहीं है, तो बड़े ख्याल से जाना पड़ेगा। तो अभी आपको दरबार दिखाते हैं, क्योंकि अभी अंदर तो नहीं जा सकते भाई, रश इतना ज़्यादा है, अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि हम तो इस टाइम के अलावा, वैसे हम कई बार अंदर गए हैं, हम वहाँ गए हैं, अपनी दुआएँ वगैरह होती हैं मांग लेते हैं, लेकिन अभी मैं अंदर तो नहीं जा सकूँगा। आपको वाइड एंगल करके आपको दिखा रहा है जहाँ लोग इतने ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं, जिसके लिए आए हैं, जिस वजह से आए हैं, अभी वो आपको दिखाते हैं भाई। ये देखिए Yeah.
में थकना नहीं है भाई, असल चीज़ वो आपको दिखानी है। जो ऑफ रोड में यहाँ आते हैं दवाएं मांगने के अलावा, जो दूसरी दवाएं होती हैं ऑफ रोड, जो ट्रैक्टर वगैरह भगाते हैं, अभी वो आपको दिखाने हैं भाई, अभी वो आपको दिखाएंगे, आप वहाँ से इन्जॉयमेंट होंगे। हम तो वही देखने आए हैं, हम बाबा जी के पास नहीं आए, हम वही देखने आए हैं। अभी चलते हैं उस वाले एरिए पे, वो जो दरबार से बैक साइड है वो काफ़ी थोड़ी सी ना गहरा है, मतलब गहराई है दरबार की निस्बत, तो वहाँ भाई बाइक भगाते हैं, ट्रैक्टर भगाते हैं, जो चीज़ मिल जाए गाड़ियाँ हर चीज़ भगाते हैं। तो वहाँ तक क्या उनके पीछे भी ट्राली भी लगा के वहाँ फैमिलीज बैठा के वो भगाते हैं, रेसिस होती हैं भाई ट्रैक्टरों की। अभी आपको वो दिखाते हैं, ये बाजार है भाई, यहाँ आते हैं दरबार मेला होता है, यहाँ मेले में आपने कोई चीज़ लेनी है ले सकते हैं। तो भाई मेले में जो हमें दोस्त मिले हैं कह रहे हैं जी हमारी भी वीडियो बनाए, ये देखें जी भाई जी कहाँ से हैं आप लोग? तो भाई ये कुछ स्ट्रीप से आए हैं, यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है ये? 100 किलोमीटर का 100 किलोमीटर सफ़र करके यहाँ। आपको मेन चीज़ जो दिखानी थी, जिस वजह से आपको लेके आए हैं यहाँ जो चोलिस्तान में, तो यहाँ से कुछ ही किलोमीटर जो रैली लगती है वो भी यहाँ ही लगती है, कुछ किलोमीटर है दूर यहाँ से। अभी दिखाते हैं जिसके लिए आपको इतना सफ़र करके हम आए हैं, आपको दिखाने के लिए आए हैं, तो मज़ा आ जाएगा। आए हाय हाय, अभी दिखाते हैं आपको, ये देखें जी, ये है।